ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि मई तक चुनाव होने चाहिए। यहाँ पर जो सवाल हमेशा उठते रहे हैं कि राज्य सरकार, खासकर महाविकास आघाड़ी सरकार, जो तीनों दल हैं वो ग्राउंड पर मजबूत नहीं है और इसीलिए वो चुनाव से भाग रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष में देखें तो बीजेपी के नवमी में दो विधायक हैं और दोनों के दोनों कोई भी ऐसा एतराज नहीं है कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। सब के सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, जनता को जो समझ में आ रहा है कि सब लोग एक साथ चाहते हैं कि चुनाव ना हो। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर सत्ता पक्ष अपना फायदा देख रहा है तो इसमें विपक्ष को किस तरह का फायदा आप देख रहे हैं कि खामोशी इनकी है? देखिए, आज चुनाव लोग लड़ते क्यों हैं? अगर चुनाव लड़ना सेवा भाव होता तो निश्चित तौर पे लोग चुनाव के लिए मारामारी करते कि चुनाव क्यों नहीं हो रहा। लेकिन क्या है कि चुनाव लड़ते हैं लोग इसलिए कि सत्ता पर बैठे और सत्ता की मलाई खाए। तो सत्ता की मलाई जब बिना चुनाव लड़े उनको मिल रही है, और अभी के समय स्थिति ये है कि ये सिर्फ 4-5 लोगों को मिल रही है। पहले क्या था कि 111 नगर सेवक जीत के जाते थे, तो 111 नगर सेवक का पार्टीशन बनता था कि भैया इस वार्ड में ये है तो इनको मिल जाएगा, इस वार्ड में ये है तो इनको मिल जाएगा, उस वार्ड में वो है उनको मिल जाएगा। आज के समय में स्थिति ये है कि ये सारा जो कमीशन था, ये सब कमीशन अभी सिर्फ 3-4 लोग मिलकर के खा ले रहे हैं। और ये 3-4 लोगों में मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 3-4 लोगों में जो विरोधी पक्ष के नगर से ये विधायक हैं, मैं मानता हूं कि उनका भी निश्चित तौर पे उनकी भी हिस्सेदारी उनको मिल रही है। यही कारण है कि वो भी चुनाव के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि काहे को मेरा हिस्सा नगर सेवकों में बटे, जो हिस्सा मेरे को आ रहा है वही बेहतर है। तो ये कुछ एक चांसेस हो सकते हैं। बाकी तो मैं ये कहता हूं कि अगर लोगों की बात है, आज आप बताइए, अगर आपके पास प्रभाग नहीं है, आपके पास जनप्रतिनिधि नहीं है, आप किनको कहोगे अपने अपने वार्ड की समस्याएं, किनको कहोगे, किनके थ्रू आप नगर पालिका तक ले जाओगे, या फिर आपके वार्ड में काम चल रहा है कोई भी तरह का विकास कार्य, उस पर निगरानी कैसे रखोगे, उसको देख रेख कौन करेगा? अगर ईमानदार कोई नगर सेवक रहे, अगर ईमानदार कोई सत्ता रहे महानगर पालिका पर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई अधिकारी चाह करके भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है अगर हमारे जनप्रतिनिधि सही हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि कमीशन में लिप्त हैं, तब तो अधिकारियों को खुला हाथ और खुला मिल जाता खुला है मौका मिल। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको जरूर देना चाहूंगा कि मैंने नवी मुंबई म्युनिसिपल के जो अभी कमिश्नर है, नवी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको मैंने 4-5 इश्यूज पे पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उनको भेजा है कि देखो ये भ्रष्टाचार हुए, इतने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बावजूद वो क्या करते हैं कि जिनको मैं भ्रष्टाचारी बताता हूं और जिनका उस भ्रष्टाचार में रोल है, वो उसी के पास मेरे लेटर को उठा के भेज देते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये क्लियर है कि आयुक्त जो है वो उस पर कार्रवाई करने की बजाय मेरे को मैनेजमेंट की ओर धकेलते हैं कि भैया ये जाएं और वो जिस आदमी का इसमें भ्रष्टाचार है वो इनको बुलाए और मैनेज करे और बात ठंडी हो जाए, यही उनका उद्देश्य है। और दूसरी बात, मैं आपको आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।